हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th हिंदी की बुक का चैप्टर 12 कंचा के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को बोला गया है, कंचे जब जोर से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। तो कंचे जब अप्पू के मन की कल्पना में आते हैं तब क्या होता है। तो कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। तो उसके मन की कल्पना में आ जाते तो वह सिर्फ जार के बारे में सोचता है और कंचों के बारे में सोचता है। उससे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेले ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। तो वो कंचों के बारे में ही सोचा जा रहा था और इस वजह से उसको अपने टीचर से डांट भी पड़ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तो दुकानदार और ड्राइवर मतलब पहले एकदम से मतलब परेशान हो जाते हैं अप्पू को देखकर और फिर हंसने लगते हैं, मतलब इसका क्या रीज़न है। तो इसका आंसर देखिए, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है, वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती कार का ड्राइवर ये देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है, यानी कि अप्पू कंचे बीन रहा था और ये नहीं सोचा था कि एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं उसका। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। तो फिर मतलब ड्राइवर कार का भी सोचने लगता है कि बेचारा बच्चा ही तो है ये छोटा सा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मास्टर जी की आवाज़ कम ऊँची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी लिखिए। तो धीरे हो गई थी उनकी आवाज़, तो क्यों हो गई होगी उनकी आवाज़ धीरे, तो ये हम लोगों को बताना है। तो देखो, इसका आंसर है, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज़ ऊँची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज़ धीरे हो गई। तो बच्चे मतलब ध्यान से सुनने लगे तो तब उन्होंने आवाज़ अपनी कम कर ली। कहानी से आगे, कंचे गिल्ली डंडा गेंदड़ी जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी आपको सूची बनानी है। तो हमारे इलाके में क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल खो खो वॉलीबॉल बहुत सारे खेल इस तरीके के खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस खेल को खेले जाने की विधि को किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो क्रिकेट के बारे में ही लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादा सब लोग क्रिकेट ही फिलहाल तो खेलते हैं हमारे देश में, राइट। क्रिकेट खेलने की विधि, क्रिकेट का मैच दो टीमें खेलती हैं, दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण यानी कि क्या करती है वो फील्डिंग करती है। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं, 2 मैदान में व एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है, मतलब एम्पायर्स होते हैं। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं, खिलाड़ी 1 रन 2 रन चौका व छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती हैं, जो टीम अधिक रन बनाती है वो जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। यह खेल 1 दिवसीय 5 दिवसीय और अब तो 2020 फॉर्मेट में भी खेला जाता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमने क्रिकेट के बारे में लिखा समझा। अनुमान और कल्पना, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। तो अप्पू से मास्टर जी ने सवाल पूछा तो उस समय पर अप्पू कौन सी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब होते हैं, यानी कि आप क्लास में तो हैं मगर आप
कहीं और ही आपका दिमाग घूमा हुआ है या फिर कहीं और ही चल रहा है। ऐसा होता है अगर, ऐसा क्यों होता है? और आप उस दिन क्या, मतलब आपके साथ अगर ऐसा हुआ कि आप कहीं और थे, टीचर ने आपको पकड़ लिया, तो मतलब अपना एक्सपीरियंस लिखना है आपको। तो देखते हैं, जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचों की दुनिया में खोया था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों में बिल्कुल नहीं था। अब आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ। बात पिछले वर्ष की है, मेरा जन्मदिन था, घर में सब मेहमान आए थे, घर के बाहर तंबू लगा था, हमारे घर आने वाले रिश्तेदारों के बच्चे उनमें खेल रहे थे, लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया था। आधी छुट्टी तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी न आया, लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो घर का माहौल छाया था। इतने में अध्यापिका मेरे पास आई और पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ आ गया? तो मैंने हाँ में उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्माई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रही हो, तुम्हारी तो पुस्तक ही उल्टी है। सच मुझे बहुत शर्म आई। मैंने खड़े होकर सच अध्यापिका को बताया तो वे हंसने लगी और मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर बिठा दिया। तो मतलब ऐसा हुआ कि पूरा वाक्य क्या था कि बच्चे का जन्मदिन था, बच्ची का, और उस दिन एग्जाम था तो वही स्कूल आना पड़ा, और घर में जो है रिलेटिव्स आए हुए थे और मतलब पार्टी वार्टी चल रही थी एक तरह से। तो बच्चे का तो ध्यान स्टार्टिंग में तो पूरा अपना एग्जाम दिया, बट बाद की जो क्लासेस थी उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था, उसका ध्यान तो पूरा घर में ही था कि घर में क्या चल रहा होगा। कहानी का शीर्षक आप क्या दे सकते हैं? अप्पू के कंचे भी कहानी का शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट है, गिल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। तो देखिए, गिल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। गिल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गुल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है और भारत के अलावा अन्य देशों में भी खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। तो ये जो है गिल्ली डंडा जो है काम ऐसे खेल लेते हैं, गिल्ली होती है, डंडा होता है, उससे मारते हैं, और क्रिकेट के तो भी रूल्स वगैरह सब कुछ होते हैं। ये थे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।